सदाई हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन, इस वक्त हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि बरतानिया आने वाले मुसाफरों को अब एक और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बरतानवी वज़ीरे ख़ारजा ने हुकूमती फैसले की हमायत कर दी। ये खबर हम आपको दे रहे हैं लंदन से। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के वज़ीर जेम्स चेलाकी ने दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफरों को 10 दिन में होटल में क़याम करने के हुकूमती फैसले की हमायत कर दी और इस फैसले पर अमल दरामद 15 फरवरी से शुरू होगा। मिस्टर चेलाकी ने कहा कि वो नहीं जानते कि अब तक कितने होटलों ने साइन अप किया है जो इन मुसाफरों को ठहराएंगे। लेबर पार्टी ने कहा कि इस स्कीम को सिर्फ कुछ ममालिक की नहीं तमाम बैनुल अक्वामी मुसाफरों तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वायरस के फैलाव का ख़तरा कम से कम हो सके। कोरोना वायरस की नए शक्लों के फैलाव को कंट्रोल करने की कोशिश में ये नया कानून मुतारफ़ करवाया जा रहा है। साइंसदानों का ख्याल है कि कोरोना वायरस अपनी शक्ल बदल रहा है और ये बढ़ता जाएगा। अगर इसे कंट्रोल ना किया जा सका तो ये वैक्सीन की तासीर को भी कम कर सकता है। बरतानिया के रिहायशी और आयरिश शहरियों को इस कानून की पासदारी करना होगी। रेड लिस्ट में 33 ममालिक से सफ़र करने वाले अफराद को इस कानून का सामना करना पड़ेगा। इन ममालिक में जुनूबी अमरीका, जुनूबी अफ्रीका, मुतहदा अरब अमारात और पुर्तगाल भी शामिल हैं। इन ममालिक से मुसाफरों के दाखिले पर ही फ़िलहाल पाबंदी आयद है।